तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइंटिफिक रवि चैनल पर। और आज के व्लॉग में हम घूम रहे हैं एयरफोर्स वॉर म्यूजियम जोधपुर। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये बाहर की तरफ से यहाँ पे कुछ प्लेन्स के मॉडल्स रखे हुए हैं, जिसमें कि MiG-27 है, HF-24 है और कुछ मिसाइल्स वगैरह के भी मॉडल यहाँ पर रखे हुए हैं। ये गन्स है जो प्लेन को मारने के लिए यूज़ की जाती थी, ये देख सकते हैं आप। ये किस तरह से प्लेन को शॉट से गिराया जाता था, ये प्लेन की सीट्स। बड़ा मज़ा आ रहा था इन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि मुझे इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। हर चीज को गौर से देखा, समझा कैसे यूज की जाती थी। इसके बाद हम अंदर एंटर हुए। म्यूजियम के अंदर बहुत कुछ देखने को था, एयरफोर्स की हिस्ट्री के बारे में था। ये है एंटी ग्रेविटी सूट जो फाइटर प्लेन के अंदर पायलट्स होते हैं वो ये पहनते हैं। ये एयरफोर्स की ड्रेस है, उनका ड्रेस कोड है। म्यूजियम के अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिला, जो भी मार्शल्स थे उन सब की हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ था काफ़ी डिटेल्स में। ये जोधपुर एयरफोर्स के जो भी उन्हें सम्मान मिला है उनके बारे में था। यहाँ पे पहले की हिस्ट्री में कौन कौन से प्लेन यूज़ होते थे एयरफोर्स में, ये जैसे महाराजा एयरक्राफ्ट गैलरी, ये जो महाराजा के पास में उनके पास कौन कौन से एयरप्लेन का कलेक्शन था। ये आप देख रहे हैं सुखोई का 30 MKI। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दी हुई थी कि एयरफोर्स में कब कौन कब तैनात था। उसके अलावा सारे एयरक्राफ्ट्स के मॉडल्स, मिसाइल्स के मॉडल्स, पुराने ज़माने में कौन किस तरह के एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते थे और अभी लेटेस्ट में कौन कौन से एयरक्राफ्ट यूज़ किए जा रहे हैं उनकी डिटेल्स थी। किन किन को महावीर चक्र मिला उससे रिलेटेड डिटेल्स, यानी कि एयरफोर्स से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी हुई है, ये देख सकते हैं आप। बाहर की तरफ ये मिसाइल का भी एक मॉडल रखा हुआ था, ऐसे भी हमने देखा। और हाँ, यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि घुसपैठियों को बिना चेतावनी गोली मार दी जाएगी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ पे घुसपैठ करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमने और भी जो भी यहाँ देखने के लिए था हमने सब कुछ देखा। हमने प्लेन की सीट्स देखी, उस पर बैठ के देखा, अनुभव किया कैसा लगता होगा हमारे पायलट्स को। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरे दोस्त बोलते मुझे क्या क्या करता रहता है और क्या है इन चीज़ों में, पर अब उनमें कैसे बताऊं कि इंजीनियरिंग नाम ही इसी का है। खैर छोड़ो अपनी अपनी लाइफ। और उसके बाद हम पहुँचे MiG-27 पर, और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ थी इस म्यूज़ियम की, सबसे बड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, साइज़ बहुत ही बड़ी थी। आप जेट का एग्जॉस्ट देख सकते हैं, बहुत बड़ी साइज़ है। इसके विंग्स देखिए आप, बहुत ही बड़ा। ये इंटरनल पार्ट्स आपको यहाँ से दिख रहे हैं, ये लैंडिंग गियर का पोर्शन था। और ये देखिए फ्रंट से, ये है MiG-27, हमारी इंडियन एयरफोर्स का बहुत ही जाना माना फाइटर जेट। ये मिसाइल है, इसकी डिटेल वहाँ पे कुछ नहीं दे रखी थी। और वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो है मारुति HF-24। तो ये जो मिग है मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रहा था, तो मैं इससे दूर हट नहीं पा रहा था बार बार इसे देखने की। इसके साइज़ को देखकर मैं बहुत ही अट्रैक्ट हो रहा था, तो बार बार इसी के पास जाने की इच्छा कर रही थी। सोच रहा था कब इसके अंदर बैठ के इसको उड़ाऊं, पर खैर
हमारे हाथ में तो था नहीं, तो बाहर से देख के ही मन भर लिया। ये देखिए इसका लैंडिंग गियर, इसका कॉकपिट, ये इंटेक के लिए ये यहाँ पे डिटेल दे रखी है, ये MiG-27। ये इसका लैंडिंग गियर पोर्शन, हाँ आप लोकल लैंग्वेज में इसे टायर कह सकते हैं। टायर कहाँ से खुलते हैं कहाँ से बंद होते हैं, इसे लैंडिंग गियर कहा जाता है। ये इसका टेल पोर्शन, हालांकि इसका जो इंजन था वो इन्होंने रिमूव कर रखा था, ये आप देख सकते हैं। और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, बड़ा मज़ा आ रहा था इसे देखने में। उसके बाद हम पहुंचे एक मिसाइल की तरफ। ये मिसाइल का मॉडल था, मैंने इसे देखा पास से और मैं बोल रहा था देखो वो पोर्शन टूटा हुआ है, इसको भी चारों तरफ से घूम के देखा इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हैं, कैसे काम करती है। उसके बाद हम पहुंचे हमारे मारुति HF-24 की तरफ। इसका भी साइज़ काफ़ी अच्छा था, ये HAL ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। और ये देखिए इसका फ्रंट पोर्शन, मुझे ऐसा लगा कि इसका इंजन जो है वो इसी एयरक्राफ्ट में है और शायद इसे डेमो पीस के लिए इसके जो इंजन था इसका जो एग्जॉस्ट था वहाँ उसे सील कर दिया गया है। ये कुछ एयरक्राफ्ट के हमें प्रोपेलर दिखे थे और ये मैं HF-24 को देखते हुए किस तरह से काम करता है क्या क्या था इसमें। भैया हम जहाँ जाते हैं हम तो ऐसे ही देखते हैं बड़ी बारीकी से। बहुत मज़ा आया इन एयरक्राफ्ट को लाइव देखते हुए, इनकी वर्किंग प्रोसेस देखते हुए, इनके इंटरनल पार्ट्स को देखते हुए, काफ़ी मज़ा आया। आप भी जोधपुर आए तो ज़रूर देखें ये एयरफोर्स वॉर म्यूज़ियम। तो दोस्तों कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।